तो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के पार्ट टू में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 1387 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी ट्रेन जो है वो मध्य प्रदेश के इटारसी में अभी रुकी हुई है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 615 ट्रेनों का पर डे यहाँ पे हॉल्ट हुआ करता था। अभी तो फिलहाल कम हो गई है हॉल्ट इनकी ट्रेनों की। 11 ट्रेनों का यहाँ पे पर डे ओरिजिनेशन होता है और 12 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट हो जाती हैं। पानी ले ले रहा हूँ, ठंडा पानी दो। ठंडा पानी ओ भाई, अरे चलो बोलो ना, सब क्या चाहिए आप? पानी पानी ठंडा ठंडा, हाँ बोलो सर, ठंडा वाला था ना? लस्सी ज़्यादा ठंडा नहीं है सर, ठंडी नहीं है, लस्सी लस्सी है ना? ले लिया पानी बोतल। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी ट्रेन जो है वो भोपाल पहुंचने वाली है। अभी शाम के बज चुके हैं 6:07। तो चलिए मैं आपको मैप के थ्रू रूट दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये रहा अपना चेन्नई। चेन्नई चेन्नई से आंध्र प्रदेश होते हुए तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागपुर, अभी मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है भोपाल। ठीक है, तो अभी भोपाल पहुंचने वाली है। भोपाल के बाद ये झांसी, ये झांसी जाएगी। झांसी से ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, और आगरा से तब ये जाएगी न्यू दिल्ली। ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है। तो ये था हमारा रूट, ट्रेन का रूट। यहाँ पे
समोसा है और क्या है बिरयानी अंडा बिरयानी हम पोहे हैं ये खमन है ना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन में। मैंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था वो आ चुका है। स्टेशन कोड यहाँ की बात अगर बात करूँ तो BPL स्टेशन कोड है। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 414 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट होता है। 30 ट्रेनों का ओरिजिनेशन और 31 ट्रेनों का टर्मिनेशन होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको खाने पीने के लिए मिल जाएंगी। मैंने तो भाई ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है, मुझे फूड ट्रैक से मैंने मंगाया है। चलिए मैं खाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। यहाँ हल्ला कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक लड़के ने चेन पुलिंग कर दिया था, उसी को पुलिस ने पकड़ा है और फिर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल से हमारी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है, ये देखिए डिपार्चर। चलिए बाय बाय भोपाल, अगली जर्नी में फिर आते हैं। तो ये देखिए ये मैंने मंगाए हैं छोले भटूरे इडली सांभर। ये रहा अपना, इसमें भी शायद यही छोले ही हैं, नहीं सांभर है इसमें, इसमें चटनी है मीठी वाली जिसमें सलाद। चलिए खाते हैं और आपको दिखाते हैं। इधर ये भी दिया है माउथ फ्रेशनर, ये माउथ फ्रेशनर। चलिए तो फ्रेंड्स चलिए टेस्ट करते हैं। ये हो गया अपना छोले भटूरे, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ मैं एक बार पहले आया था झांसी में, तो वहाँ भी मैंने यही मंगाया था, तो उस समय मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा फिर मंगाऊंगा। इसके बाद चलिए इडली को टेस्ट करते हैं। ये चटनी है मीठी मीठी, इसका चटनी जो है ना ये लाजवाब है। मैंने बहुत सारे इडली में खाई है लेकिन ऐसी चटनी पहली बार खा रहा हूँ। सलाद भी है, ये है सांभर। टेस्ट सभी चीज़ों का काफ़ी ही अच्छा है, तो आप भी ज़रूर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा के खा सकते हैं। चलिए इसको खा करके फिर आगे आपसे मिलता हूँ। ओके रेट मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे पड़ा है 85, ये मुझे पड़ा है 50, 140 रुपये में मुझे ये सारा चीज़ पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारी जर्नी की डे 3 और 1868 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन में। 12:23 अभी हो रहे हैं, 12:25 में इसका यहां पे टाइम है। 3 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो 4 प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है। 297 ट्रेनों का पर डे यहाँ पर हॉल्ट होता है। 21 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है और 21 ट्रेनें टर्मिनेट हो जाती है। स्टेशन कोड की अगर बात करूं तो GWL इसका स्टेशन कोड है। ये ट्रेन जो है वो दिल्ली तक जाने वाली है, चेन्नई से दिल्ली। तो अभी मैं ये लास्ट स्टेशन कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैं सोया हुआ था, उठ करके कवर कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से मिलूँगा सीधा आगरा कैंट में। अब यहाँ से मैं सीधा आप लोगों से आगरा कैंट में मिलूँगा, फिर वहाँ पे बात करते हैं आपसे। इसका 2:00 में टाइम है आगरा कैंट।
चेन्नई न्यू दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम चेन्नई टू न्यू दिल्ली तो फ्रेंड्स 1987 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली पहुंची है आगरा कैंट। 2:17 पर पहुंच चुकी है आगरा कैंट, जो कि 13 मिनट बिफोर ही हमें पहुंचाई है। और यहां से 200 किलोमीटर के बाद और दिल्ली है, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, इसका लास्ट स्टॉप दिल्ली है। और आगरा का सबसे मशहूर चीज़ तो आपको पता ही है, ताजमहल, और दूसरी चीज़ पेठा। यहाँ आए तो आप आगरा घूमिए और पेठा जरूर खाइएगा। अगर आगरा कैंट के स्टेशन कोड की बात करूँ तो AGC स्टेशन कोड है, 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 299 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट होता है यहाँ पे, 23 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 23 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट कर दी जाती हैं। मैं अपनी जर्नी को आगरा कैंट तक ही रखने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक आपको सुनाई दे रहा हूँ, अनाउंसमेंट भी हो रहा है, आई थिंक आपको सुनाई दे रहा हो। मैं अपनी जर्नी को यहीं रखता हूँ, हमारी ये Day 3 जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। और आज 15 अगस्त भी है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद जय भारत। और हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर जरूर कर दें, और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं, सी यू सून इन द नेक्स्ट जर्नी, अगली जर्नी में आपसे जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत।